अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप फ्री से होंगे। वेलकम टू बैक माई चैनल। ड्रामा सिर्फ हमार जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है, आने वाले एपिसोड में आपको देखने जा रहे हैं कि नासिर फाय को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब फाय नासिर को कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, तब नासिर फाय कहता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान और मुझे तुमसे मिलना है। मुझे तो अपना रात सुकून न दिन सुकून है। मैं तुमसे मिलकर हरीम के बारे में बात करना चाहता हूँ और अपने जुर्मों का इतराफ करना चाहता है। ये सुनकर अब फायज भी हैरान हो जाता है कि अब उस पर हरीम पर लगवाने के लिए कौन से इल्जाम बाकी रह गए हैं। अब फायज उसे कहता है कि मुझे हरीम के बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अब तो हरीम की बात भी नहीं सुनना चाहता। तब नासिर फायज को कहता है कि वो बहुत गलत कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक दफा मेरी बात सुन लो। हो सकता है कि इस तरह उसके जमीर का बोझ हल्का हो जाए और वह सुकून से मर सके। जब नासिर फायज को मिलने आता है तो वो नासिर को अपने सामने सालत में देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। जब वो नासिर सालत के बारे में पूछता है तो उसे बताता है कि ये सब मेरे अपने अमाल हैं, क्योंकि मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, गलत काम किए हैं, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। उसने दामन लड़की पर बदकिरदारी की तुहमत भी लगाई, आज उसी की सजा भुगत रहा है। उससे उस लड़की की बददुआ लग रही है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हरीम ही है, जिसने कुरान पाक पर हाथ रखकर झूठी कसम खाई और हरीम पर इल्जामात लगवाए। तब से मेरा यही हाल होना शुरू हो गया है। मजीद ड्रामा प्रोमो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ में लगे बेल प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।